हम लोग रोज क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हैं जिसे पूरा बल्ब ऑन हो जाता है। रोज हम चीजों के प्रूफ देखते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऐसे प्रूफ देखे, साइन ए प्लस बी का कैसे डायग्राम से प्रूफ हो सकता है, रेक्टेंगल से प्रूफ हो सकता है, और आज हम देखने जा रहे हैं लोपिटल रूल का प्रूफ क्या हो सकता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। अब हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन होती है? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, जी एक्स माइनस जी ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ऑब्वियसली दिस थिंग कैंसल, व्हाट यू गेट? एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जी एक्स माइनस जी ऑफ ए। इज इट सिंपल? यहां तक क्लियर है? गिव मी सी सी इन द चैट बॉक्स। लोगों को लगता है प्रूफ बड़े लंबे हो गए, प्रूफ बड़े आसान होते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है, प्रूफ हो गया। अब आपको पूछ रहे होंगे, सर ये कहां पे गया, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए कहां पे गया? भाई ये तो जीरो ही थे। लोपिटल रूल का डेफिनेशन क्या था? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स ओवर जी एक्स इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स। ये चीज कब होगी? जब न्यूमिनेटर भी जीरो है, डिनोमिनेटर मतलब एफ ऑफ ए भी जीरो दिया हुआ है, जी ऑफ ए भी जीरो दिया हुआ है। सिर्फ हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाई और हमने देख लिए दोनों। यस, हमने जस्ट फील वाओ, इतना इजी था एक लाइन का, आज तक क्रैम ही करते आ गए। यस, काश थोड़ा सा कोई ऐसा टीचर मिल जाता जो मैं भी एक एक प्रूफ दिखाता। और आई कैन चैलेंज, हमने अभी तक अपनी क्लास में एक भी ऐसा नहीं किया जो क्रैम करना पड़े, हर चीज का विजुअलाइजेशन के साथ प्रूफ देखते हैं। यस, बट हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिटेड? जब आप टीचर बन जाओगे, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्रैक करोगे, जो कि सब लोग करने ही वाले हैं, चॉइस ही नहीं है। हम इतना अच्छा पढ़ेंगे, इतना अच्छा पढ़ेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, कोई और इंस्टीट्यूशन या कोई और सोच भी नहीं पाएगा इतनी मेहनत करना और जिस प्रकार का मटेरियल आपको दे रहे हैं। बट आपका कमिटमेंट क्या होना चाहिए? आप टीचर बनने के बाद ऐसे ही सारे प्रूफ बच्चों को कराओगे, विजुलाइजेशन कराओगे। मैं इतना अच्छा टीचिंग इसलिए कर पा रहा हूँ ताकि आप भी जब जाओ, मुझे सबका कमिटमेंट चाहिए, आप भी जब टीचर्स बनोगे तो अपना बेस्ट से बेस्ट वाला सबको दोगे, राइट? ताकि किसी बच्चे को एक एक लाइन के लिए क्रैमिंग ना करनी पड़े। गुड, ये बहुत ही अमेजिंग लाइन है, ये सबके सुनने वाली है। सर, आई रियली रियलाइज द रीजन ऑफ माई फेलियर इन मास्टर कैडर मैथ, द लैक ऑफ मास्टरी ओवर कंसेप्ट। जब भी मास्टर कैडर क्रैक नहीं हुआ ना, हरप्रीत जी लिख रहे हैं, वो इसी वजह से नहीं हो पाया क्योंकि कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं थे। हमें लगता है मैं क्लियर है पर मैं बहुत सारे प्रूफ पता ही नहीं होते, इसलिए हम ओरल नहीं कर पाते, विदाउट पेन नहीं कर पाते। यू डिड ए लॉट ऑफ एफर्ट फॉर अस, नाउ इट्स माई टर्न टू मास्टर ईच एंड एवरी कंसेप्ट विद सुपर क्लैरिटी। फैंटेस्टिक, हैट्स ऑफ यू हरप्रीत, विश यू गुड लक, definitely you will crack your master cadre exam in good marks। मुझे एक बात बताना, सच्ची सच्ची बात बताना, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देख के कितने लोग तो वैसे भी डर जाएंगे, भाई सब कैसे करना है, क्या होगा, कैसे होगा, कितने तो वैसे भी डर जाएंगे रूट रूट देख के। जिसने पेपर में लोपिटल रूल लगा लिया उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि मेरे तो 3 मिनट निकल गए। और कितनों ने विदाउट पेन किया है, अपना एक्सपीरियंस बता दो, ये ट्रिक्स कैसे मिलेगी। स्वाद ही आ गया, इश्क आ गया, ऐसे ट्रिक्स तो सर अंदर से, इतना का मैथ में इंटरेस्ट कई गुना बढ़ चुका है, ऐसा लग रहा है यार, मतलब सोचा ही नहीं था सर। लव फॉर मैथ, इश्क फॉर मैथ, अमेजिंग, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ गया, सुकून आ गया। आज पूरी क्लास में यही होने वाला है, पूरा लिमिट, फिर कल कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियल, फिर दो देंगे सारा ट्रिक्स के साथ।